दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास ये समरसीबल का स्टार्टर रिपेयर होने के लिए आया है। स्टार्टर रिपेयर होने तो आया है, लेकिन कस्टमर ने दो तीन चीज़ें रिप्लेस करके देख ली, जिससे मतलब ऐसी दिक्कत बनती है। और यूट्यूब पर भी दिखाते हैं सब क्या 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 चीज़, अब इसमें कंडीशन क्या बननी है पहले तो ये समझो आप, ठीक है। इसकी जो मोटर है वो नहीं चल रही है। मोटर चल भी रही है तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, यहाँ से रिले का ये पॉइंट दबा के रख रहे हैं तो चल रही है, छोड़ दे रहे हैं तो बंद हो जा रही है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, बस वो बहुत से कहते हैं ग्रीन बटन बदल दो, वो भी बदल दिया। अब ये रेड बटन बदल दो, ये भी बदल दिया। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे हाथ मतलब इसे रिले को टच करता हूँ, देखो लाइट आ जाती है, यानी कि आउटपुट जा रही है, ठीक है। मतलब जब हम इसे दबा के रखते हैं तो मोटर चल जाती है। अब ये ग्रीन भी बदल गया, रेड भी बदल गया, एमसी भी बदल दी बेचारे ने, एम्पियर मीटर भी बदल दिया यहाँ तक की। तो भाई इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई होगी? उसने वायरिंग भी चेक कर ली, वायरिंग भाई जब बीप आ रहा है तो सारी चीज़ ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो, अगर वायरिंग खराब होती तो सीधी सी बात है, जो हमारे यहाँ पे ये 5 पॉइंट होते हैं, समझो इस बात को, फिर आप रिपेयर तो होगा, बहुत ईजी तरीके से होगा और डीपली उसी चीज़ को रिप्लेस करेंगे जो चीज़ खराब होगी। अब यहाँ पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इसमें 1 और 2 तो होगी मेन लाइन जहाँ से आती है, देखो जो कि इसके अंदर आ रही है, ये देखो 206 वोल्टेज इसके अंदर आ रही है प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि दोस्तों, जो पहली लाइन है हमारी, ये पहली लाइन, ये और ये सबसे लास्ट वाली, बीच वाली को छोड़ दो क्योंकि इस पर कैपेसिटर की लाइन होती है, ये और ये, इस पर हमारी लाइन आती है जब हमारा मोटर चलती है। तो यहाँ से मैं देखिए आपको ग्रीन बटन दबा के दिखा रहा हूँ, ये देखो ग्रीन बटन दबा रहा हूँ तो कोई भी आउटपुट में वोल्टेज दिखाई नहीं रहा है, देखो आप देख सकते हैं ग्रीन बटन पूरा दबा हुआ है, जबकि इंडिकेटर तो ग्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रही है। जैसे ही मैं कॉन्टैक्टर दबाता हूँ, ये देखो रिले जो है वो सही आ रही है, 206 वोल्टेज आसपास आ जा रही है। तो अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम किस चीज़ में हो सकती है, उसके लिए मैं फिर भी आपको चेक करा देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये स्विच ही चेक करा देता हूँ। देखिए, ये जो आपका रेड बटन होता है, ये मैं पहले यहाँ से मेन लाइन बंद करता हूँ, देखो ये जो आपका रेड बटन होता है, ये कंटिन्यू दबा हुआ होता है, जैसे हम इसे अंदर दबाते हैं तो ये लाइन को कट कर देता है, यानी कि रिले के जो पॉइंट जाते हैं एसी वाले, उसको उसकी लाइंस के सीरीज में लगा होता है। अब अगर हम इस पर चेक करें तो इस पर बीप आना चाहिए, मतलब बीप आना चाहिए या ओम्स में रीडिंग आनी चाहिए, यहां से हम चेक कर लेंगे, मतलब जब हम इसको अगर टेस्ट करते हैं, चलो सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं, आपको सीरीज बोर्ड से दिखाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना चेक करनी आनी चाहिए आपके पास। ये देखो, ये सीरीज बोर्ड की लाइन ले ली हमने इस तरह से, तो हम एक यहाँ लगाएंगे और एक हम यहाँ लगाएंगे, देखो ये देखो पॉइंट आ रहे हैं। अब रेड बटन जैसे हम देखें यहाँ दबा रहे हैं तो तुरंत ही लाइन कट जा रही है, छोड़ दे रहे हैं तो सही हो जा रहा है, देखो दबाते ही कट जा रही है लाइन, छोड़ देते ही सही हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा रेड लाइन है वो बिल्कुल ओके है। अब आती है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन में क्या होता है, जब हम दबाएंगे तब तो ये टच होगा, वरना टच नहीं होगा। मतलब ये नॉर्मल में ये अपना ओपन है और ये नॉर्मल में क्लोज है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे गए हम और एक इस पॉइंट पे गए, अब जैसे हम बटन दबाएंगे तब ये टच हो गए, देखो बटन दबाया तो काम कर रहा है, ये देखो, ये क्योंकि इधर का एक सेक्शन एक अलग है, इधर का सेक्शन अलग है, जैसे इसमें हाफ हाफ बटन, इसमें हाफ की जरूरत नहीं है। तो देखो, अब मैं बटन दबाता हूँ, ये देखो बटन दबाया तो पॉइंट जल रहा है, ऐसे ही हम इधर की तरफ आ जाएंगे। तो ये ऐसा आप बटन चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप कोई भी बटन को चेक कर सकते हैं। मतलब अब जैसे दबाएंगे, ये देखो इसका मतलब जो हमारे दोनों बटन है वो ठीक है। आप समझ गए होंगे ये चीज़, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो रेड बटन है जब हम दबाएंगे जब तो इसकी लाइन कटेगी, वरना ये आपस में जॉइंट रहेगा। अब ग्रीन वाले में इसका अपोजिट है, उल्टा है, जब हम यहाँ पर बटन को दबाएंगे जब तो ये जुड़ेगा, वरना ये लाइन कटी रहेगी। तो ये चीज़ रहती है, तो हमारे दोनों बटन वेरीफाई हो गए, बटन ओके हैं। अब सीधी सी बात है दोस्तों, मेन आउटपुट जा रही है तो एमसीबी की खराब होने की दिक्कत नहीं है, और आउटपुट जा रही है तो दोस्तों मीटर से होकर के जाती है पूरे पैनल के अंदर, तो मीटर भी ठीक है। अब सीधी जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है हमारी कॉन्टैक्टर के ऊपर बात लेकर के। तो कॉन्टैक्टर में सबसे पहले हम चेक करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट है, 6 पॉइंट होता है, 6 पॉइंट में यहाँ पे 2 इनपुट हैं, 2 आउटपुट हैं और 2 नीचे रिले इसे कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पहले और दूसरे पॉइंट ही अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा है इंटरनल, क्योंकि ये जो आप यहाँ पे आमने सामने कॉन्टैक्टर की पिने देख रहे हैं, ये आमने सामने ये और ये टच होती है जब हम इसे टच करते हैं, और ये आपस में टच होती है। तो ये चीज़ हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे,
कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है पक्का। तो जैसे हमने यहाँ पे ये पिन लगाई, अब हम इसे यहाँ पे दबा के देखते हैं, अगर दबाने पे सीरीज बल्ब जल रहा है तो हमारा ये वाला कॉन्ट्रेक्टर का पोल ठीक है, डल जाए। देखो ये, देखो ये जल रहा है। अब हमें अगला पॉइंट चेक करना है इसी तरह से, ये देखो, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब ये जो हमारे मेन एसी के जो वायर है सीरीज के, ये हमें कॉन्ट्रेक्टर पे लगाने हैं जहां से कॉन्ट्रेक्टर ऑन होता है। ये नीचे की तरफ जो दो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये देखो ये नीचे की तरफ। अब जैसे हम इन पे लगाएंगे कॉन्ट्रेक्टर अंदर की तरफ चिपकना चाहिए, तो ये देखो ये नहीं चिपक रहा भाई, ये नहीं चिपक रहा, ये देखो बिल्कुल प्रॉपर लगा रखे हैं बाकायदे। देखो अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये देखो प्रॉपर लगा रखे हैं चिमटी, ये देखो भाई नहीं चल रहा, ये देखो कॉन्ट्रेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है। अब कॉन्ट्रेक्टर खराब काम नहीं कर रहा तो दोस्तों इसे रिपेयर करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम इसे यहाँ से खोलते हैं, इसे देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम। देखिए ढीला सा ही पड़ा है, इसके पेच वेच खोल लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसे आपको कैसे रिपेयर करना है। बहुत ईजी तरीके से ये रिपेयर हो जाते हैं, ज़्यादा सिरदर्दी वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में लगा हुआ है वहाँ नाले का एरिया है, तो वहाँ इसके अंदर कॉपर की वायर होती है बारीक बारीक, तो ख़राब होना निश्चित है। अब जब तक कॉन्ट्रेक्टर काम नहीं करेगा, सीधी सी बात है, तो ये कहाँ से परफेक्टली काम करेगा। उससे पहले हम आपको एक चीज़ और चेक करा के दिखा देते हैं। देखो ये चीज़ें समझ जाओ आप, अगर आ रही है ना आपके तो मस्त है एकदम। देखो समर्सिबल के ये तार है, मतलब स्टार्टर के, हमने ये बोर्ड में लगा दिए। बोर्ड में लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आ जाते हैं इन दोनों पॉइंट पे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आए इन दोनों पॉइंट पे। अब हम ग्रीन बटन दबाते हैं, तो ग्रीन बटन दबाया 214.15 वोल्ट आई, छोड़ देते हैं ग्रीन बटन तो वो वोल्टेज वापसी चले गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो अब ग्रीन बटन में दबाऊँगा, ये मीटर पे भी ध्यान देना, उस पर भी देखो ग्रीन बटन दबाया, वहाँ पे मीटर पे वोल्टेज देखो 215-16 वोल्टेज आ रही है, और छोड़ने के बाद ये काम बंद हो जा रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है जो मीटर के, मतलब जो ये हमारा सिस्टम है वो इसे ऑपरेट करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रेक्टर ही ऑपरेट नहीं हो रहा है रिले से। तो यही चीज़ है इसके अंदर, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्टर की जो कॉयल है वो हमारी या तो ब्रेक हो चुकी है या फूक चुकी है या वो कैसे भी ख़राब हो चुकी है, तो वही चीज़ अब रिपेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक बने रहना, काफ़ी अच्छी वीडियो है, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं सिखा पाता सही तरीके से, और हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, तो आप सीख लो, आपके पास मौका है ये चीज़ें सीखने का। हम बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे खोल लेते हैं इसको कॉन्ट्रेक्टर, अभी बताएंगे इसको आपको कैसे कहाँ से रिपेयर करना, क्योंकि इसमें सबसे महंगा आइटम कॉन्ट्रेक्टर ही होता है। कॉन्ट्रेक्टर करीब करीब ये मान लो किसी के यहाँ 300 रुपये, किसी के यहाँ 400, किसी 450, ऐसे ऐसे रेट पर आते हैं। अब इतने महंगा आइटम आप नया डाल लोगे तो फायदा क्या, रिपेयर करो ना, रिपेयर करना ही तो रिपेयरिंग कारीगरी कहलाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब मैं पहले सिर्फ ये बैक साइड से खोल लेता हूँ, खुल जाएगा बड़ा इजी तरीके से, और इसको रिपेयर करेंगे हम, आयरन गरम करेंगे ज़रा, और क्योंकि हमें आयरन का काम पड़ सकता है इसके अंदर। तो यहाँ से इसे खोल लेते हैं और अभी देखेंगे इसके अंदर क्या लोचा है ऐसा। हालांकि ये कॉयल नहीं मिल जाती है, फिर भी हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने उतार दी, यहाँ एक कोर लगी हुई है, कोर के नीचे पत्ती है, पत्ती के नीचे दो स्प्रिंग भी मिलेगी आपको, मतलब कॉयल के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, देखो इसमें यहाँ से खोल लेता हूँ, इसमें दो वायर अटैच आपको दिखाई दे रही होगी, और अभी कमी दिखाता हूँ कहाँ है इसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा टाइट खुल रहा है, कोई बात नहीं, ये देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा काला काला सा नज़र आ रहा होगा, ये देखो ये वायर भस्ट हुआ हुआ है यहाँ से, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भस्ट हुआ है या गल गया है। और दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ ठीक है, दूसरी तरफ तो ठीक है, ये दूसरी तरफ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर का जो तार है आप देख सकते हैं ये भस्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ से कोई ब्लेड लेंगे और इसको यहाँ पे इसे सोल्डर करेंगे, इसको यहाँ सोल्डर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब लाइन तो जा रही थी लेकिन कॉयल ऑन नहीं हो रही थी। ये देखो ये वाला वायर है, वो ये देखो काला पड़ गया भाई कॉपर का, ये देखो ये सब नाले का प्रभाव है, इसलिए कहते हैं दोस्तों अगर नाले के पास पास कहीं जगह हो तो वहाँ पे कोशिश करें आप ना रहें, कुछ अपना वैसा सामान छोड़ दें जो रखा हुआ है वहाँ पर। अगर आप खुद भी रहोगे तो बीमार ज़्यादा रहोगे और ठीक कम रहोगे। तो देख लो आप कंडीशन।
ये इस तरह से करना है। थोड़ा वायर छोटा है भाई ये, ठीक है, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा वायर जोड़ते हैं। तो हम कोई एक हल्का सा एक्स्ट्रा वायर ले लेते हैं कॉपर का। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कॉपर का वायर ले लिया है। अब आप इस कॉपर वायर को पहले इधर की तरफ लपेटना जिधर आपको ये लगे कि टूट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने उधर की तरफ से लगाया ना भाई, नहीं तो वहाँ पे कोयल के जड़ में टूट गया, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे लगाया और हमें यहाँ पे इसका इधर का एरिया को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और आपको क्या करना है, इस पर थोड़ी स्लीव भी लगा लो चाहे लगाना चाहो तो। ये काम यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। अब इस पर मैं थोड़ी सोल्डिंग कर लेता हूँ, यहाँ रोक करके इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ। सोल्डिंग से क्या है कि एकदम मजबूत हो जाएगा काम। यहाँ से सोल्डिंग कर लेता हूँ भाई, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगी। ये देखो, अब इसके बाद हम इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। चेक तो ऐसी उससे ही हो जाएगी, कॉयल से, मतलब जो हमारे वो है मल्टीमीटर है। चलो इससे आगे तो हम इसको बाकी यहाँ पे इस तरह से मोड़ लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ करा ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आप हल्की सी टेप भी लगा सकते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे वो कर देंगे इसको। और यहाँ पे आपको टेप लगा लेनी है, ठीक है, मैं तो आपको टेस्टिंग के तौर बता रहा हूँ। अब मैं इस कॉयल को एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ इसकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है, आराम से कर लेंगे। मैं इसकी एक बार यहाँ पे कंफर्म रीडिंग कर लेता हूँ, कंफर्म रीडिंग क्या है। ये देखो 447 ओम आ रही है, ठीक है, यानी कि ये मेरी जो है सिस्टम ठीक हो गया। अब इसके जो वायर थे ना, ये हम वायर जोड़ेंगे पहले इसके अंदर, ठीक है। अब इसके जो वायर हैं भाई, हम ये वायर जोड़ देंगे, कोई से में जोड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं होता निगेटिव पॉजिटिव या पोलरिटी नहीं होती इसकी, नॉन पोलरिटी होती है, आप किधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देंगे, अब इसको यहाँ से अटैच कर लेते हैं, यहाँ से इसको टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया, ठीक है। अब इसको ये जो देखो ये गोले गोले जो देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग में आने चाहिए। ये देखो हम इस तरह से ये यहाँ आया और ये दूसरे एरिया में आ गया, दूसरे एरिया, मतलब सही तरीके से आपको पिराना है ये। अगर आपने गलत तरीके से पिराया तो दिक्कत होगी यहाँ पे सेट करके, ठीक है। अब आपको पत्ती लगा देनी है, पत्ती लगाई, कोर रखी, कोर रखने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से रख के पेच लगा देने हैं इसके, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से। अब जो है काम हमारा हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पेच लगा दिया और एक पेच हम इधर लगा लेते हैं, फिलहाल अभी टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमने रख लिया, एक बार भाई से हम चेक कर लेते हैं फाइनली। अब पहले तो हम कॉन्ट्रेक्टर को डायरेक्ट लगा करके देख लेते हैं यहाँ पे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये देखो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको एक बार लाइन दे करके और देख लेते हैं भाई, ठीक है, ग्रीन बटन और वो प्रेस करके। तो देखो ग्रीन बटन प्रेस करता हूँ, ये देखो भाई अंदर प्रेस होके रह गए, ठीक है। और रेड लाइट देखो कंटिन्यू जल रही है, ऑफ ऑन करते हैं। देखो मैं इसे माइक को उतार के थोड़ा सा इस पर दिखा दूँ, देखो बंद हो गया, चल गया, बंद हो गया, चल गया, बंद हो गया, चल गया। आपके सामने है, बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, हमने रिपेयर कर दिया है आपके सामने, देखो बंद, बंद, चालू, बंद। तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है दोस्तों, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखा हमने कितने आसानी से समझाया, कितने अच्छे तरीके से आपको रिपेयर करके दिखाया। शायद ही आपको ऐसे कोई रिपेयर करके दिखाया, अन्यथा दोस्तों ये कोयल भी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इस तरह कोयल भी आप खरीद करके इसके अंदर डाल सकते हो और आसानी से इसे आप रिपेयर कर सकते हो। अगर ये कोयल नहीं मिल रही तो हमारी वेबसाइट पर जाके मिल जाएगी, या हमारे आपको हम आपको नंबर दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं, हम आपको ये कुरियर करा देंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे, तो एक लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है और इतने अच्छे से शायद आपको कि क्लियर तरीके से समझा पाए। तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पे ना सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।